स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है ये वैकेंसी शिप बिल्डर की तरफ से आ रही है। शिप बिल्डर कंपनी रहने वाली है, काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। गाइस, यहाँ पर आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो कैंडिडेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं, साथ ही डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दी गई है आप सभी को टेलीग्राम की, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए। मैं इसका लिंक आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड कर देती हूँ, साथ ही आप लोगों को इसका पूरा नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड कर देती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है। और सबसे पहले बात की जाए गाइस इस वैकेंसी की, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा नोटिफिकेशन है। इस वैकेंसी के लिए फ्रेशर वालों के लिए अलग नोटिफिकेशन निकाला गया है, और एक्सपीरियंस जो भी बंदे हैं हमारे उनके लिए अलग नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी आप लोगों की यहाँ शिप बिल्डर में रहने वाली है। शिप बिल्डर नेशनल, मतलब आप लोगों का जो रिक्रूटमेंट है काफ़ी अच्छी जगह निकाला गया है। जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो एनिमेशन वीडियो यहाँ पर चल रही है, ये एक तरीके यहाँ पर आप लोगों को जो शिप होते हैं, शिप उनको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बिल्ड वगैरह करती है। तो ये काफ़ी बड़ी कंपनी है अगर देखा जाए तो। तो दोस्तों, यहाँ इस वैकेंसी के बारे में हम लोग चलिए नोटिफिकेशन के ज़रिए से पूरी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोग रिक्रूटमेंट देख पाएंगे, यहाँ पर आप लोगों की शिप बिल्डर यहाँ माझगांव डॉक शिप बिल्डर की तरफ से जो वैकेंसी आ रही है, इसमें काफ़ी सारी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट बता देती हूँ। स्टार्टिंग डेट आप लोगों की 20 जनवरी है, लास्ट डेट यहाँ पर 19 फरवरी है। तो आप लोगों को 19 फरवरी से पहले अप्लाई करना होगा। ओनली ऑन इंडियन से ही अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। पोस्ट आप लोगों की देख सकते हैं कितनी सारी निकाली गई हैं। तो सबसे पहले पोस्ट की बात करें, पोस्ट और वैकेंसी ग्रेड दिया गया है आप लोगों यहाँ पर, किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है और एक्सपीरियंस और एज लिमिट। यहाँ सबसे पहले आप लोगों की फर्स्ट वैकेंसी है जनरल मैनेजर की। टेक्नीशियन आप लोगों का यहाँ पर रहने वाला है डिपार्टमेंट। एंड गाइस, वैकेंसी देख सकते हैं और आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा मांगा गया है इस वैकेंसी के लिए। मैं फ्रेशर की भी बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर कंटिन्यू करें। एक्सपीरियंस वालों की हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ वन बाई वन ये जान लेंगे कि किसमें कितना एक्सपीरियंस है। 23 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम। यहाँ जो आप लोगों का एज लिमिट है 54 ईयर दिया गया है। एडिशनल जनरल मैनेजर की, यहाँ फाइनेंस में है, तो ऑलमोस्ट ये जो आप लोगों की ये वाली दो वैकेंसी हैं ये टेक्नीशियन में रहेंगी। तो इनके लिए हमारी 20 साल यहाँ एक्सपीरियंस रखा गया है। ये डिप्टी जनरल मैनेजर की जो रखी गई है ये फाइनेंस में है आप लोगों की, 17 साल का एक्सपीरियंस है। चीफ मैनेजर की और मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ये सभी वैकेंसी आप लोगों की टेक्निकल वालों की रहेंगी। यहाँ हमारे जो 14 साल का, 10 साल का, 6 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। तो एज लिमिट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिस हिसाब से आप लोगों का यहाँ एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से एज लिमिट भी काफ़ी दी गई है। अब जो मिनिमम आप लोगों का जो रहने वाला है एक्सपीरियंस, ये है सीनियर इंजीनियर का। आप लोगों का टेक्निकल वालों के लिए भी है इसमें वैकेंसी, फाइनेंस वालों के लिए भी है, एचआर के लिए भी है, फायर में भी है, कंपनी में भी है। तो ऑलमोस्ट आप लोग जो यहाँ पर 1 ईयर एक्सपीरियंस वाले अप्लाई करेंगे, जिन्होंने आप लोगों ने, जैसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अप्रेंटिस कर रखी होती है, तो वो इसके लिए अप्लाई करेंगे, और फाइनेंस वाले फाइनेंस के लिए। बाकी यहाँ पर देखिए 3 साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये जो देखेंगे आप लोग यहाँ पर, 1 साल का एक्सपीरियंस इन सभी के लिए आप लोगों से मांगा गया है। और ये आप लोगों की पोस्ट निकाली गई है, 30 आप लोगों की एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट जो आप लोगों की रिक्रूटमेंट है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की है। तो गाइस, इसमें आप लोगों का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब 0 ईयर एक्सपीरियंस है इसमें। आप लोगों के कई सारे मेडिकल टेक्निकल डिपार्टमेंट आ जाते हैं, तो सभी डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। 28 साल मैक्सिमम एज यहाँ पर दी गई है एज लिमिट। गाइस, इसमें एक मतलब बिल्कुल 0 ईयर एक्सपीरियंस वाले अप्लाई करेंगे, तो काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है। तो 0 ईयर एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस वाले या फिर फ्रेशर वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एंड सबसे पहले बात की जाए सैलरी पैकेज की, ये बात करें तो यहाँ पर पे स्केल आप लोग के कोड के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर ई आप लोग का जो कोड है E8, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को स्टार्टिंग में देखने के लिए मिल जाएगा जो ग्रेड है, जैसे E8, E7, E6, E5। तो हम लोग इन दो का जो कोड है आपका देखेंगे, यहाँ पर E1 दे रखा है जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस है उन स्टूडेंट के लिए, और E1 यहाँ पर दे रखा है निल वालों के लिए, मतलब बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ देखेंगे सैलरी पैकेज आपका E1 वालों के लिए 40,000 स्टार्टिंग है, 1,40,000 तक। इसी तरीके से फ्रेशर वालों का भी 40,000 से 1,40,000 तक दिया गया है। तो गाइस, मिनिमम आप लोगों का CTC वगैरह दिया गया है। बाकी ये हमारे एक्सपीरियंस वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो सैलरी पैकेज तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि गाइस जिस हिसाब से आपका यहाँ पर सैलरी पैकेज है उस हिसाब का आपसे यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। बाकी जो हमारे टोटल यहाँ पर देखेंगे कितना यहाँ पर दिया गया है रिजर्वेशन, आप लोग देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग।
तो गाइस क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर हम लोग उन स्टूडेंट की बात करेंगे जिनका मतलब यहाँ पर फ्रेशर वालों की और 1 ईयर एक्सपीरियंस वालों की। तो देखिए जो आप लोगों की यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो दे रखी है जनरल मैनेजर की दे रखी है, यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा मांगा गया है, देखिए 23 साल का। तो हम लोग लास्ट में पहुँच जाते हैं क्योंकि हमारी जो फ्रेशर वालों की वैकेंसी थी बिल्कुल एकदम एंडिंग में जाकर थी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर देख सकते हैं ये है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए हमारे बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट एलिजिबल थे, जिसमें फुल टाइम आप लोग कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं, मैकेनिकल ब्रांच आप लोगों की है और नवल आर्किटेक्चर से आप लोगों ने मतलब नवल आर्किटेक्चर से कर रखा है या फिर डिग्री कर रखी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है नवल कंस्ट्रक्शन विद फर्स्ट क्लास। यहाँ पर मतलब 60% के साथ में आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, डिग्री कर रखा है, बीई बीटेक कर रखा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप लोग का कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, बिल्कुल 0 ईयर एक्सपीरियंस वाले यहाँ पर अप्लाई करेंगे, स्टार्टिंग में ही ये चीज़ आपको बता दी थी। नेक्स्ट यहाँ पर इससे ऊपर देखेंगे ये आपकी वैकेंसी है, इसमें आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर आप लोग जो भी कैंडिडेट पार्ट टाइम करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं और गैस आप लोग यहाँ पर जो एलिजिबल रहेंगे डिग्री वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं पार्ट टाइम फुल टाइम, ठीक है। या फिर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है 60% के साथ में आप लोग एलिजिबल रहने वाले हैं। तो ये आप लोगों का यहाँ पर इस तरीके से क्राइटेरिया रखा गया है। बाकी जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो अपने अकॉर्डिंग और भी देख सकते हैं। मैंने देखिए स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था इतना इतना एक्सपीरियंस है, तो जितना है आपके पास एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। हम ओनली 1 ईयर एक्सपीरियंस और फ्रेशर वालों की यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अब देखिए गाइस जो मैकेनिकल आपकी ब्रांच है तो मैकेनिकल के अंडर कितनी सारी ब्रांच है तो ये सभी दी गई हैं। अगर इनमें से कोई भी ब्रांच है जैसे मैकेनिकल, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल से जैसे इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली है उसमें भी कई सारी ब्रांच आ जाती हैं, जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर इस तरीके की आप लोग की कई सारी ब्रांच हैं जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आती हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को, तो क्वालिफिकेशन आप लोगों को जो मैंने 2 वैकेंसी बताई थी उनके लिए ज़्यादा डिस्कस किए हैं क्योंकि वो हमारे टेक्निकल के लिए थी, ऑलमोस्ट हमारे 1 ईयर एक्सपीरियंस और फ्रेशर वालों के लिए थी। तो यहाँ पर सलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और गाइज यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जिनके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस से रिलेटेड आप लोगों से कुछ पूछा जाएगा और यहाँ आप लोगों का जो एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मार्क्स भी मिलेंगे, बाकी रिटन टेस्ट भी आप लोगों का यहाँ पर हो सकता है। देखिए ज़्यादा स्टूडेंट होते तो रिटन टेस्ट होगा और अगर कम रहते तो पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, डिपेंड करता है इनके ऊपर। बाकी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में जो हमारे ओरिजिनल रहेंगे ये सभी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट लगाए जाएंगे। अप्लाई करने की लिंक डायरेक्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कीजिए। अब चलिए मैं और भी वैकेंसी बता देती हूँ जो हमारे फ्रेशर वालों की रहने वाली है। तो गाइस ये भी आप लोग की शिप बिल्डर की तरफ से आ रही है और ये आपके फ्रेशर वालों की है, बट यहाँ पर जो हमारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं बैचलर डिग्री आप लोगों की, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर यहाँ पर एप्लीकेशन या फिर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पर सोशल वर्क, साथ ही इवेंट मैनेजमेंट, 50 वैकेंसी हैं। ये आपकी अप्रेंटिस है, 18 से 25 एज लिमिट दी गई है और आप लोगों का यहाँ जो स्टाइपेंड रहेगा 9,000 रहेगा। गाइस ये आप लोगों को नेट्स पोर्टल के ज़रिए से अप्लाई करना होगा, सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं जैसा मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था, एज लिमिट और आप लोगों को यहाँ जो रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगा सब कुछ सेम मिलेगा। अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है, बाकी आप लोगों को जो ये वाली लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इसकी एप्लीकेशन की, वहाँ से जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया गया है कि आप लोगों को कहाँ जाना कैरियर पे, उसके बाद ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, देन अप्रेंटिस, अप्रेंटिस के बाद आप लोगों को वहाँ पर ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा और इसे अप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है और आप लोग अगर इन वीडियोज़ के लिए, साथ ही इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।